यूपी महाराष्ट्र की 16 विधान परिषद सीटों के नतीजे आज, बीजेपी एमवीए की साख दांव पर। वैक्सीन का असर, यूके जाने के लिए उत्सुक भारतीय ट्रेवल एजेंट तैयार कर रहे स्पेशल पैकेज। यूएन में भारत बोला, आतंक और नफरत की संस्कृति छोड़े पाक, करतारपुर साहिब को लेकर भी उठाए सवाल। हैदराबाद में 9 दिसंबर को कोविड वैक्सीन सेंटर जाएंगे 100 विदेशी राजनयिक। किसान आंदोलन चौथे चरण की वार्ता आज, क्या निकलेगा कोई समाधान। बेंगलुरु हिंसा, पूर्व पार्षद रकीब जाकिर को क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। दिल्ली आईआईटी के 300 छात्रों को मिली शानदार पैकेज पर नियुक्तियां। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन इस गणतंत्र दिवस पर हो सकते हैं मुख्य अतिथि। ओडिशा के पुरी में शुरू हुआ 9वां अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल। वायुसेना ने परखा स्वदेशी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम आकाश, रूस की इगला मिसाइल भी अजमाई।